देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां नित नए कांड। अब नया कांड है थूक कांड। अब आप कहेंगे ये थूक कांड कहीं थूक जिहाद वाला तो नहीं? हो सकता है, लेकिन एक और चीज समझनी कि पहले हमें बताया गया कि बर्तन कैसे धो, थूक कर बर्तन धो। फिर बताया गया कि रोटियां कैसे पकानी, थूक कर रोटी पकानी। फिर बताया गया कि फल कैसे बेचने हैं, हरी सब्जियां कैसे बेचनी है, थूक कर बेचनी। हमने सब देखी, सारी वीडियोस देखी, खूब हो हल्ला फिर शांत। अब एक नया करिश्मा आया है, अब बताया जा रहा है कि थूक में तो जान है। ये थूक में कौन सी जान है, इसको जरा डिकोड करने की कोशिश की। दर्शकों, जावेद हबीब एक साहब हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, काफी मशहूर हैं। उन साहब ने एक सेमिनार था, वहां पर एक महिला को बुलाया और हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे थे कि बाल कैसे काटते हैं। बाल काटते काटते बोले कि बाल तो बड़े गंदे हैं। अब जब बाल गंदे हैं तो साफ कैसे करें, धोएंगे कैसे? तो पानी की जगह खुद का थूक दिया उस महिला के सर पर, स्पिट कर दिया और बोला कि इस थूक में जान है। जान, इस थूक पे कौन सी जान है, ये बड़ी विचित्र कहा। दर्शकों, ये जावेद हबीब का जो पूरा वीडियो है ये खूब वायरल हो रहा है, खूब चर्चा हो रही है। अब ऐसे में रेखा शर्मा NCW विमेन कमीशन उनकी जो अध्यक्ष है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और पूछा है कि भैया ये क्या है, और कहा है कि जांच करिए। इसके बाद देश की तमाम महिलाएं भी साथ आ गई, बोली ये क्या बदतमीजी है। और जिस महिला के सर पर थूका था वो भी सामने आ गई। तो ये कौन सा वाला नया जिहाद है, ये कौन सा तरीका है जहां थूक में भी जान है? बिल्कुल समझ लीजिए, ये उस जिहाद से बिल्कुल अलग है जो इस्लाम में जो एक जिहाद को स्तंभ बताया गया है, उससे बिल्कुल अलग है। वो तो पवित्र जिहाद है, ये दरअसल अलग जिहाद है, सेकुलरिज्म वाला, फर्जी सेकुलरिज्म वाला जिहाद है ये। दर्शकों, आज मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। इस्लाम के पांच स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है शहादा, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह को पूछेंगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। दूसरा है सलात, कि पांच बार नमाज पढ़ी जाएगी, जरूरी है। तीसरा है जकात, मतलब साल में एक बार चैरिटी करनी चाहिए। फिर है सौम, रोजा रखना, ना रमजान में आप देखते हो इधर व्रत कहते हैं उधर रोजा रखना कहते हैं। इसके बाद है हज, अगर आप समर्थ हैं तो मक्का जरूर जाइए, हज जरूर करिएगा। और छठा स्तंभ है वो है जिहाद। तो जिहाद जो है वो दरअसल पवित्र युद्ध के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कई सालों में इसको कुछ और ही नाम दे दिया, किसी और तरह से देखा जाता है। तो इसलिए ये कौन सी बात है, इसको डिकोड करने की आज कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सवाल भी रहेंगे, सवालों के जवाब भी लेंगे। पूरा मामला मुजफ्फरनगर का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे मैं अब जानना चाहता हूं कि महिला के सिर पर थूकना कैसे जायज है। हर जगह थूकेंगे, ये भी आजादी चाहिए क्या, कि हर जगह थूकने की आजादी चाहिए, कहीं भी थूक देंगे। रोटी पर थूका, अब चोटी पर भी, ये गंभीर सवाल है। अगला सवाल यह है कि क्या जावेद हबीब साहब ऐसा कब से करते आ रहे हैं? भाई ये तो पहली बार वीडियो बन गया, ऐसा पता नहीं कब से कर रहे होंगे। तो थूक कर अब बाल काटे जाएंगे क्या, सवाल। यह अपमान नहीं, जहालत नहीं, तो फिर और क्या है? सोचिएगा, अगली बार आप यह जरूर सोचिएगा कि बार बार ऐसे वीडियो सामने क्यों आते हैं, क्यों आते हैं भला? तो महिला के सिर पर थूकना जायज कैसा, ये मेरे सवाल थे। इन सवालों के बाद अब आपको जरा वो वीडियो भी दिखाता हूं कि आप उन वीडियो को देखिए और सोचिए कि उस वीडियो में आखिर है क्या। वीडियो चलाइएगा जरा। देखा, मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैंपू नहीं है। सही, उसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, जान है। जावेद हबीब साहब का ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में वो महिला को मंच पर बुलाते हैं और महिला के मंच पर यूं इस कदर थूक देते हैं। थूकने के बाद वो बताते हैं कि इस थूक में तो दरअसल जान है,
गनीमत रही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस थूक में जो दरअसल इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाले विटामिन है मिनरल है। हालांकि शैम्पू का काम कर रहा है इनका थूक, इन्होंने ये बात तो नहीं बताई। जगह इस वीडियो की चर्चा है, बातचीत हो रही है ट्विटर तक, हर जगह इसी वीडियो पर बात है कि आखिर ये कौन सा जिहाद है भाई। इस वीडियो में जो महिला दिख रही है जिनके सर पर दरअसल ये स्पिट किया गया, थूका गया, वो महिला भी अब सामने आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा उसको सुनो। मुजफ्फरनगर में ये अमान सर के थ्रू एक सेमिनार था, वंडर सॉफ्ट कंपनी वालों ने जावेद को एज ए चीफ गेस्ट और केमिकल सिखाने के लिए बुलाया हुआ था, तो हम लोग भी वहाँ कुछ काम सीखने के मकसद से ही गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है वहाँ पर था ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम वहाँ 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, मैं एक तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी, तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया, और थूकते ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं, और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो, और देखो मैंने कितनी थूक की मात्रा इस्तेमाल की है। ये वीडियो क्लिप में मेरे हस्बैंड बना रहे थे संजीव गुप्ता, उनके पास ये प्रूफ है। उसके बाद नीचे उतर कर स्टेज पर मैं कटिंग शीट उतर के नीचे आ गई, उन्होंने उनके असिस्टेंट ने मेरे को कहा कि मैडम आप ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं था, हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों ने वहाँ मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो वहाँ से हम निराश होकर बड़ौदा आ गए। उसके बाद से हम लोगों यहाँ पर जब भी किसी से कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि ये इतना बुरा बिहेवियर है, इतनी बड़ी हस्ती और कैसा उसका नेचर, ऐसे टिप्स अगर हम अपने पार्लर में इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमसे हेयर कट क्यों कराएगा, हम वहाँ सीखने गए थे या अपनी इंसल्ट कराने गए थे, मेरा तो करियर उन्होंने चौपट कर दिया। मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे ये वर्ड कहे हैं कि मैडम उसने आपके सिर में थूक दिया, अब आपकी क्या इमेज रहेगी। तो महिला कह रही है कि उनका तो करियर ही चौपट कर दिया, आप सिखाने गए थे लेकिन सिखाते सिखाते दरअसल किसी का करियर ही चौपट कर दिया। मंच पर बुलाकर इस तरीके से एक हिंदू महिला के सर पर थूका गया, ऐसा लोग कह रहे हैं, और यह अपमान की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर वो कौन सी सोच है जो खाने पर थूकती है, रोटी पर थूकती है, फल पर थूकती है, कच्चे गाजर पर थूकती है, सब्जी पर थूकती है, और अब तो सरेआम किसी महिला के सर पर जहां वो सिंदूर लगाती है, वो महिला जहां पर सिंदूर लगाती है अपने शादीशुदा जीवन के, जो उसका सबसे पवित्र, जहां पर वो सिंदूर लगाती है वहां पर थूक दिया, और थूक के कहा गया है कि ये सबसे, ये जो थूक है ना इसमें जान है, इस थूक में कौन सी जान है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि आपको बता दूं कि हिंदू संगठन बिफर गए, वो कह रहे हैं कि हिंदू महिला के सर पर जहां पर वो सिंदूर लगाती है वहां पर क्या थूका जाएगा, ये सवाल उठा रहा है। ये जरा दो वीडियो देखेगा कि हिंदू संगठन किस कदर नाराज हैं और किस कदर सवाल उठा रहे हैं। हबीब है जो कि मुस्लिम समाज से हैं और ये महिलाओं के हेयर कट वगैरह का काम करता है, और ये इतना नालायक है, इसके जहाँ भी सेमिनार होते हैं ये हिंदू समाज को टारगेट बना करके हिंदू समाज की महिलाओं पर ये भद्दी टिप्पणियाँ करता है। कल अभी परसों का ही मामला है, यहाँ एक किंग विला होटल है, वहाँ एक सेमिनार किया गया था। अमान नाम का एक लड़का है डिस्ट्रीब्यूटर मुजफ्फरनगर से, उसने इसको इन्वाइट किया और इसका सेमिनार करवाया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज की महिलाओं को इन्वाइट किया गया, और उन महिलाओं को इसने क्या किया, कट के बहाने एक महिलाओं को बुलाया, वो महिला बड़ौद से थी, वंशिका ब्यूटी पार्लर से, और उसने इसके बालों में थूक करके बोला कि क्या नाम है, अगर पानी ख़त्म हो जाए तो हम बालों से थूक करके भी बाल को गीला कर सकते हैं। ये एक बहुत ही 32 की कार्य प्रणाली थी, इससे महिला समाज में जो है बहुत उग्रता आई और सबको ये बहुत ख़राब लगा। इसने पहले सेमिनार में भी हमारे भगवान शंकर के खिलाफ बोला था कि उनकी बहुत बड़ी जटाएँ हैं,
और उन जटाओं को मेरे सामने उनको भेज दो भगवान शंकर को और मैं उनकी कटिंग कर दूंगा। इस तरह की ये हर सेमिनार में टिप्पणियां करता है। इससे महिला समाज जो है, हमारा हिंदू महिला समाज बहुत गुस्से में है और हम चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो और इसका ये सारा काम बंद हो। अभी 3 दिन पहले एक किंगवेला रिसोर्ट्स में एक हेयर स्टाइल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके नमन नोमान और अमान नाम के व्यक्तियों ने इसका आयोजन किया था। और जो इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जावेद हबीब जिसके मुख्य अतिथि रहे थे, इस कार्यक्रम में एक महिला को उसकी कटिंग के लिए उसको बुलाया गया मंच पर और बुलाकर जो उसके सिर पर थूक कर और सार्वजनिक रूप से कहा गया कि अगर पानी की कमी हो तो थूक कर काम चला लेना चाहिए। आज क्रांति सेना ने इसको एक हिंदू विरोधी मानसिकता बताते हुए मंसूरपुर थाने का घेराव किया और SHO को इसके खिलाफ तहरीर दी। साथ में उसकी रिसीव भी हम लोगों ने ली और हमने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और क्योंकि जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी मानसिकता, चाहे वो एक रेडा चलाने वाला हो या कोई सेलिब्रिटी हो, इनकी सोच केवल इस तरह की है कि हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू धर्म का अपमान करना। क्योंकि कई वीडियो आ चुकी है, पहले भी कोई रोटी में थूकता है, कोई सब्जी में थूकता है, आज इन्होंने एक महिला के सिर पर थूक कर एक महिला का अपमान किया है और हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। अगर आगे गिरफ्तारी नहीं देते आप लोग किस तरह से विरोध? हमने आज SHO को इसमें तहरीर दिया, रिसीव लेकर आए हैं और हमने कहा कि अगर जल्द ही उस व्यक्ति पर उन्हें गिरफ्तारी आती है तो क्रांति सेना द्वारा इस पर धरने का घेराव किया जाएगा। और थूक तो लिया लेकिन अब बात बड़ी हो गई। दरअसल जो उनके पति गुप्ता जी ने जो वीडियो बनाया है उसको लेकर अब हर तरफ चर्चा हो गई। ऐसे में पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है। पुलिस क्या कुछ कह रही है इसको भी जरा सुनिए। इसमें एक व्यक्ति बाल काटते हुए किसी महिला पे थूक देने का ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसका हमने भी संज्ञान लिया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। ये वीडियो कहाँ का है, उस पर जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कौन व्यक्ति है जो बाल काट रहा है, इसकी हम जानकारी कर रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है, उसके आधार पर हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमें कोई तहरीर वगैरह कोई प्राप्त नहीं। पुलिस क्या कह रही है, हिंदू संगठन क्या कह रहा है, वो भी सुन लिया, वीडियो भी देख लिया, ये भी देख लिया कि वो महिला क्या कह रही है। अब जरा इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या ये वीडियो पहली बार आया है, क्यों इस पर बात कर रहे हैं। हो सकता है मजाक हो रहा हो सकता है यूं ही बात हो सकता है, जैसे PM की सुरक्षा में चूके के इत्तफाक है तो शायद यूं ही हंसी मजाक में इत्तफाक हो गया हो, लेकिन ये इत्तफाक नहीं है। इससे पहले ना जाने कितने ऐसे वीडियो सामने आ चुके, कितनी दफा, तब कभी रोटी पर थूका, कभी खाने पर थूका, कभी कढ़ाई में थूका गया, बर्तन पर थूका गया, लोगों पर थूका गया, हर जगह थूका गया। थूक ज्यादा नहीं तो और क्या है? वीडियो दिखाता हूं, वीडियो प्ले करिएगा बैक टू बैक। हर जगह थूका जा रहा है, आपके खाने में थूका जा रहा है, थाली में थूका जा रहा है, हर जगह जो परोसा जा रहा है उस पर भी थूका जा रहा है। थूक जिहाद जो है, अब इस पर भी चोट करने का वक्त आ गया। इसको मत जोड़िए किसी भी चीज़ को, सिर्फ इस चीज से जोड़िए कि मैं अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, मैं अपना अपमान क्यों सहूं कि आपको लगता है कि ये मेरे धर्म का पवित्र मामला है। ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल एक मौलाना साहब कह रहे हैं TV कार्यक्रम में। मौलाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए, हंसी ना आए तो कहिए, मौलाना साहब को सुनाइए। आप एक तस्वीर देखिए बंबई की, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि बर्तनों पर थूक रही तो हमारी आस्था है, क्या आस्था है? अब भाई आपकी आस्था से हमारा क्या वास्ता है? और ये कौन सी आस्था है, कहां लिखा है किसी भी पवित्र किताब में, धर्म कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ये सिर्फ झूठबाजी है। फिलहाल जावेद हबीब साहब जो है, इनका पुराना नाता है विवादों से, एक बार हिंदू देवी देवताओं लोकर इन्होंने टिप्पणी कर दी, टिप्पणी क्या करी, एक तस्वीर ही जारी कर दी, तस्वीर दिखाईगा, ये तस्वीर जारी कर दी। इस तस्वीर के बाद आपको बता दूं, जहां पर ये एक सलून दिखा रहे हैं
और इन्हें सारे हिंदू देवी देवताओं को एक सलून में दिखा दिया। इस तस्वीर को लेकर खूब चर्चा हुई, जिसके बाद इन पर केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का। तो ये है जावेद हबीब साहब, जिसकी हम बातचीत कर रहे थे आपसे। बड़ा कैरेक्टर, बड़ा दमदार है, हेयर स्टाइलिस्ट है, जाने माने हैं, एक्टर्स के काटते हैं बाल, लेकिन इस बार जरा मामला फिसल गया। मामला फिसल गया है या कहां गया, इसको लेकर हमारे साथ उज्मा परवीन जी जुड़ चुकी हैं। उज्मा परवीन जी से जानेंगे, ये मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, जानकारी रखते हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर वो क्या समझ रहे हैं। उज्मा परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। काफी देर लगी आपसे संवाद शुरू करने में, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन उज्मा जी बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया। ठीक, हाँ जी उज्मा जी, आपने सब कुछ देखा, सबसे पहले तो अपनी टिप्पणी बताइएगा कि आपका वर्जन क्या है। यह ठीक है किसी महिला को मंच पर बुलाकर, मेरा मतलब, मेरा मकसद किसी धर्म को, किसी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो संवैधानिक है, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर चलते हैं, उसी संविधान को मानते हैं। लेकिन अभी जो आपका ये मुद्दा सामने आया है कि जावेद हबीब साहब ने एक महिला के सर पर थूका या कुछ किया, तो आपको थूकने से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आपको उस बनाम मुस्लिम से दिक्कत है, उस एम से दिक्कत है जो हमारे नाम के आगे लगता है। तो बार बार थूक क्यों रहे? अभी आपने देखा, तो बार बार थूक क्यों रहे? ताजा ताजा मामला वो धर्म संसद में जो छिड़ा था हरिद्वार में कि 20 करोड़ मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए, तो क्या आपको एक बार उस पर बहस नहीं करनी चाहिए? उस पर बहस हो चुकी है, लेकिन उज्मा जी आज ये बात हो रही है कि थूक क्यों रहे? आप कह रहे हैं कि मुसलमान नाम है, इससे तकलीफ है, थूक ही क्यों रहे हैं? थूक क्यों रहे? आपको मुद्दा लगता है, थूक क्यों रहे? खा रहा है कोई, कहाँ थूक रहा है कोई, कहाँ कुल्ली? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसी ढाबे से, उसी ढाबे से तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, उसी ढाबे से खाना ले रहे हैं, उसी ढाबे में खाना खा रहे हैं। जावेद हबीब साहब से कितने ही लोग बाल कटवाते हैं, अब थूकेंगे क्या? थूकेंगे क्यों? मैं सीरियसली, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। घर को एक मुस्लिम बनाम इंसान को टारगेट करने की ठानी है और आप लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी करते रहिएगा, सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम है इसलिए सवाल नहीं कर सकते, थूकते रहिए। हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका जवाब जरूर देंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हम सवाल ना करें, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए आप सवाल कर रहे हैं, सवाल ना करें। सबकी निगाहों से देखना बंद कीजिए, हमारे भी राइट थे हर चीज के, लेकिन अगर आप उसको जबरदस्ती मुद्दा लाकर फंसाते हैं कि उसने थूका क्यों, उसने कुल्ली क्यों की, उसने मुंह क्यों धोया, अब आप इस पे भी आपत्ति लगा रहे, तो आप लोग भी, आप लोगों की लगाए कि आप लोग जो है गौमूत्र पीते हैं, नहीं नहीं नहीं, गाय के गोबर को समझते हैं, शगुन समझते हैं, आप लोगों की भी आस्था है, हम तो नहीं कहते आपको कुछ भी, आप उसको थूकने को, चाटने को आप ना, गाय का गोबर आस्था है, कहीं गोबर कहीं पर किसी और के सामने नहीं रखा ना, गोबर किसी और को थोड़ी ना दे दिया, आप गौमूत्र गोबर की बात कर रहे हैं, गौमूत्र कोई पिला थोड़ी ना रहा है आपको, आप कहाँ जा रही हैं उज्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं, आप लिंचिंग पे जा रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे, मैं जरूर पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, उज्मा जी ये बताएं, अपने अपने स्टूडियो में अगर देवी देवताओं की तस्वीर लगाई बनाम इसके कि वो भारतीय है, तो इसमें आप सबको आपत्ति हो गई। आप लोग आखिर चाहते क्या है? सेकुलर रहने नहीं देना चाहते, अपनी बात रखने नहीं देना चाहते, हमारे राइट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, अधिकार क्या है, सब आप लोगों को कोई मतलब? उज्मा जी क्योंकि आप भड़क रही हैं, क्योंकि आप भड़क रही हैं, आपको मुद्दे की, आपको मुद्दे की गंभीरता समझा, आपको मुद्दे की गंभीरता समझाता हूँ, आपको मुद्दे की गंभीरता समझाता, आपको मुद्दे की गंभीरता समझाता हूँ। उज्मा जी, उज्मा जी, अगर कोई शख्स, मेरा जवाब सुनिए, आपको वो थूक दिखा जो उन्होंने थूका एक महिला, एक महिला की आपको इतनी चिंता, और जो धर्म संसद में, अरे मुझे आपकी भी चिंता है उज्मा जी, मुझे आपकी भी चिंता है, अगर आपके सिर पर कोई इस तरह से थूकता है तो मुझे उसकी भी चिंता है, हर महिला की चिंता है, ये धर्म से इसका लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है धर्म से, समस्या ये है कि थूक क्यों रहे हैं, थूक में जान है, थूक पवित्र है, मौलाना बोल रहा है कि थूक पवित्र है, एक बार फिर से मौलाना का वीडियो चलाइएगा जरा, 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 आप ये देखिए
ये क्या बोल रहे हैं मौलाना जी, इसको सुनिएगा जरा। मौलाना जी जो बोल रहे हैं इसको सुनिए और इससे समझिए कि क्या बता रहे हैं, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि चलाइएगा मौलाना जी। देखिए बंबई की आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे, वीडियो स्क्रीन पर चलाइएगा। देखिए कोई अपने आप इनका वीडियो बंद कीजिए तो मैं आपको बताऊं। नहीं नहीं, इस वीडियो को देखिए जरा, वीडियो आ गई है, स्क्रीन पर आ गई है। ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक। आप एक तस्वीर देखिए बंबई की आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आस्था है। ठीक है, आस्था है, स्क्रीन पर लीजिए उज्मा जी। बर्तनों को तो उज्मा जी, ये आस्था है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, आस्था का मसला है। आस्था क्या है क्या नहीं है ये तो फैसला बाद में होगा, लेकिन आपकी आस्था भी तो बहुत कुछ कहती है। आप तो गौमूत्र को पवित्र समझते हैं। उज्मा जी, इसमें मेरा और आपका क्या है, मैं आपका भाई हूँ। हम तो नहीं कहते, मैं आपका भाई हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ कट्टरपंथी, कुछ जिहादी सोच की, जिहादी मानसिकता के लोग अगर थूकने को आस्था का नाम दे रहे हैं तो आपको इसको काउंटर करना चाहिए, आपको काउंटर करना चाहिए। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उसकी लाज रखिए, उसकी लाज रखिए। अगर अगर एक बात बताइए उज्मा जी, अगर जावेद हबीब साहब आपको बुलाते हैं मंच पर और ये जो उन्होंने उस महिला के साथ बदतमीजी करी, अगर आपके साथ करते, आप भी गुस्सा होते और ये बड़ा मुद्दा होता, हम आपके लिए भी लड़ते। अगर आप किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां कोई रोटी बनाकर दे रहा है, वो थूक रहा है, वो कह रहा है कि मेरी आस्था है इसलिए मैं थूक के रोटी बनाऊंगा, आपका तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना उससे। कोई आप फल खरीद रही है, कोई सब्जी खरीद रही है और वो थूक कर दे रहा है क्योंकि उसका तो आस्था का मसला है, लेकिन आपका तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मतलब थूकने दें, थूकने की पूरी आजादी दें। अब स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें लेकिन थूकने की पूरी आजादी दें, क्योंकि थूकना तो दरअसल आस्था का मसला है। ठीक है, अगर एक आदमी, अगर एक आदमी, अगर एक आदमी कैंसर से पीड़ित है, अगर एक आदमी कैंसर से पीड़ित है तो उसको कैंसर से पीड़ित है जो, उसको दवाई दी जाएगी, या फिर मैं उसको ये बोलूं कि शिक्षा की बात कर, स्वास्थ्य की बात कर। हर जगह शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती ना, वो अलग अलग मसला है, उस पर भी डिबेट होगी। अरे आपके पास बात ही कहाँ है, शिक्षा की कहाँ बात करेंगे, स्वास्थ्य की कहाँ बात करेंगे, कोरोना काल में ढेरों लोग मर गए। अलग बहस होती है, अलग बहस होती है, अलग बहस होती है। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस कदर थूका जा रहा है, ये जो थूक जिहाद चल रहा है, ये क्या है? आप इस पर नहीं बोल रही एक भी बार? आप जावेद हबीब एक महिला के साथ इस कदर बदतमीजी करते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोल पा रहे? आप सिर्फ जावेद हबीब क्योंकि मुस्लिम हैं, सिर्फ जावेद हबीब क्योंकि मुस्लिम हैं, आप इस वजह से, सिर्फ जावेद हबीब क्योंकि मुस्लिम हैं तो आप गलत में भी उनका साथ दे रही हैं। सिर्फ जावेद हबीब मुस्लिम हैं इसलिए आप उनका गलत में भी साथ दे रही हैं। जावेद हबीब साहब सिर्फ मुस्लिम है इस वजह से आप जावेद हबीब साहब का साथ दे रही हैं, चाहे कुछ भी हो आप साथ देने की प्रवृत्ति से बाहर नहीं आना चाहते। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। कैसे थूक दिया, क्यों थूक दिया, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप नहीं बोल पा रही क्योंकि वो आपके धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आपको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, आपको उनकी निंदा करनी चाहिए कि वो इस कदर थूक रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम योर रिलीजन यू आर नॉट सेइंग अ वर्ड। अरे बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था का मसला है लेकिन किसी का स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो बिल्कुल पीछे पड़ेंगे। किसी महिला के साथ अगर इस कदर बदतमीजी होगी तो बिल्कुल पीछे पड़ेंगे। आप होती कोई होता, बिल्कुल मुद्दा है मैडम, बिल्कुल मुद्दा है। बस यही पूरा देश देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है कि किस कदर एक महिला होकर, किस कदर एक महिला होकर आप आज जावेद हबीब साहब के खिलाफ नहीं बोल पा रही जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम योर रिलीजन। बस इधर उधर की बातें करिएगा, मुद्दे पर मत आइएगा कि ये कौन सा जिहाद है, क्यों थूक रहे हैं, क्यों महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों आप किसी ढाबे में जा रही है आपको थूकी हुई रोटी मिल रही है, इस पर बात मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उज्मा जी जुड़ी थी, मुस्लिम स्कॉलर है, साथ ही साथ महिला भी है, लेकिन आपने देखा कि एक शब्द नहीं बोला गया, एक शब्द, क्योंकि जावेद हबीब साहब के नाम जो है उनका वो मुस्लिम नाम है, इसलिए एक शब्द नहीं बोला गया, पूरा डिफेंड किया गया, जबकि उनको साफ पता है कि किस तरह एक महिला की अस्मिता के साथ किस कदर एक महिला को अपमानित किया गया है, उसको बुलाकर मंच पर उसके सर पर थूका गया है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रही, नहीं बोल पा रही, क्योंकि ये उनके धर्म का मामला है, यूनिटी का मामला है।
ताकत का मामला है। एक शब्द नहीं बोला क्या? जबकि वो खुद जानती हैं कि अगर किसी ढाबे रेस्टोरेंट में इनको थूक लगी हुई रोटी अगर दे दी ना किसी ने तो ये केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। लेकिन आज नहीं बोल पा रही क्योंकि उनके धर्म का मामला है। जो व्यक्ति है वो उनके धर्म से ताल्लुक रखता है। उज्मा जी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये देख रही हैं जो मेरे धर्म का है वही सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में हम पहले धर्म को आंकने लगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, इसका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।